भारत का दिल गांवों में बसता है, ये कहना एकदम सही इसलिए है क्योंकि देश की लगभग 70% से ज्यादा आबादी गांव में निवास करती है। असल मायने में भारत का महत्व गांव से ही है। हमारे गांव हमारी रीढ़ हैं। देश की कृषि गांवों से चलती है, इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो मनुष्य ने अपना शुरुआती जीवन जंगलों, गुफाओं आदि में बिताया है। धीरे धीरे मानव ने गांवों का विकास किया, बाद में गांवों ने ही नगरों की शक्ल ली। कभी जहां गांव हुआ करते थे, आज वहां बड़े बड़े शहर बन गए हैं। ये सब जानने के बाद ये कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि गांवों से ही नगर बने हैं। हमारे गांव आज भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। गांवों में हरियाली देखते ही बनती है, खेत खलिहान की छटा बेहद मनमोहक लगती है, मगर बढ़ते शहरीकरण के कारण गांवों की खूबसूरती कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गांव जहां सिकुड़ते जा रहे हैं तो वहीं शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। कहने को शहरों का जीवन गांव के मुकाबले तेज जरूर है, लेकिन उसमें नीरसता और बनावटीपन ज्यादा दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि वो ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां गांव विकसित हो, गांव जरा भी विकास को नहीं तरसे। मगर जब आज भारत के गांवों की तरफ नजर उठाकर देखते हैं तो गांवों की हालत बहुत दयनीय स्थिति में नजर आती है। गांव के लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। खेती के लिए जमीन लगातार कम होती जा रही है, इसके साथ ही खेती करने के लिए साधनों का भी बहुत अभाव है। यही कारण है कि आज के दौर में किसानों का खेती से मोह भंग होता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि खेती करने में अब लागत लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन मुनाफा बेहद सीमित है। सरकारों के द्वारा भी किसानों की लगातार उपेक्षा की जा रही है, उनकी फसल का उचित मूल्य उन्हें नहीं दिया जा रहा। बड़ी बात तो यह है कि किसान कर्ज में दबकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन वादों के अलावा उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी सरकार गांवों पर ध्यान दे तो एक ऐसी शक्ति का संचार होगा और इसकी मदद से देश तरक्की के नए आयाम स्थापित कर सकेगा। Subscribe now to receive new updates, reviews, and news.